मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसे किसी विशेष आपातकालीन स्थिति में लागू किया जाता है, जब सामान्य कानूनों का पालन करना संभव नहीं होता। यह स्थिति अक्सर युद्ध, आतंकवाद या गंभीर सामाजिक अशांति के दौरान उत्पन्न होती है, जहां सरकार को नियंत्रण बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता महसूस होती है। जब मार्शल लॉ लागू होता है तो सेना उन क्षेत्रों में नागरिक प्रशासन के अधिकारों को संभालती है और पुलिस के अधिकार भी सीमित हो जाते हैं। नागरिकों को अदालतों में सामान्य तौर पर मिलने वाले हक और स्वतंत्रताएं भंग की जा सकती हैं, जिससे कानून व्यवस्था एकदम मजबूत हो जाती है। मार्शल लॉ के तहत सरकार तात्कालिक कार्रवाई कर सकती है, जैसे कि कर्फ्यू लगाना, आंदोलन को रोकना या गिरफ्तारियों की संख्या में वृद्धि करना। ये स्थिति अगर लंबे समय तक चलती है तो इसके दीर्घकालिक प्रभाव समाज पर गंभीर पड़ सकते हैं, जैसे सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता। अंततः मार्शल लॉ का उपयोग सरकारी नियंत्रण बनाए रखने, सुरक्षा की स्थिति को बेहतर करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसके लागू होने से नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश भी लग सकता है, जिससे इसके उपयोग पर समाज में विवाद उत्पन्न हो सकता है।